Now let's write the EMF induced in the EMF induced in solenoid. और अब सोलेनोइड की जगह ना आई रादर यूज द वर्ड इंडक्टर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इंड्यूस हो रहा है इसलिए इसको इंडक्टर भी बोला जाता है, तो अब से हम इंडक्टर वर्ड यूज करेंगे. नाउ वी नो दैट जैसे जैसे आपका करंट बढ़ता है सर्किट में, इस इंडक्टर में जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, की को जैसे आपने बंद किया तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और फ्लक्स बढ़ेगा, यानी कि फ्लक्स टोटली आई के बढ़ने पर डिपेंड कर रहा है, ये सब. और फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई एंड दिस एल इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन. और इस एल को बोलते क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, ये बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं. और इस एल का नाम अगर अलग से लेना हो सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं या इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं. एनीवेज, नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द ईएमएफ जनरेटेड. वो होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ एल आई. सो वी हैव माइनस का एल डी आई बाई डी टी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन विच यू मस्ट लिटरली मग अप, EMF in inductor is minus का LDI by DT, very important. तो आइए हम सेल्फ इंडक्टेंस की जनरेट वो डेफिनेशन भी सीख लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. सो वी हैव L इज इक्वल्स टू, यहीं से निकाल लेते हैं, E अपॉन DI by DT. ठीक है, तो लेट इज राइट. और इसकी यूनिट देख लेते हैं कितनी है. द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज 1 हेनरी, हेनरी. सेल्फ इंडक्टेंस एल इज हेनरी, ठीक है, इसको हेनरी से दिखाया जाता है. एंड व्हेन वी राइट द होल नेम देन वी राइट विथ स्मॉल लेटर. ओके, वैसे हम कैपिटल एच से इसका यूनिट दिखाते हैं, और अगर आपको पूरा नाम लिखना है देन यू शुड राइट विथ स्मॉल लेटर हेनरी. Now let's define it. How I'm going to define it? L is equals to EMF upon DI by DT. तो अगर ये 1 हेनरी है तो how will you define 1 हेनरी? बहुत important है, आता है एग्जाम में. 1 हेनरी is the self inductance of circuit. Self inductance of circuit. If a current is changing at 1 ampere per second and an EMF of 1 volt is induced in circuit. सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो 1 हेनरी इज अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इफ अ करंट इज चेंजिंग एट 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन सर्किट, तो हम इसको बोलेंगे 1 हेनरी. नाउ इसकी यूनिट हेनरी है, और वैसे निकालना चाहते हैं कैसे निकली, वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड. So we have volt second to divide by ampere. Now what is V by I? Ampere current का होता है, V voltage का. So ये resistance हो गई ना, तो ohm second. तो ध्यान रखें 1 हेनरी actually 1 ohm second के बराबर होता है. तो ये भी पता होना चाहिए आपको. So now we are going to find out the value of L in the next video.